कंप्यूटर बाबा की सभा में हजारों की तादाद में एकत्रित हुए संतों ने मन की बात करते हुए वर्तमान सरकार पर प्रदेश की दुर्दशा करने का लगाया आरोप। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी गलियारों से आम आदमी तक सभी के बोल बदलते जा रहे हैं। एक ओर राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में व्यस्त नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब संतों ने भी प्रदेश और देश की राजनीति में अपने महत्व को दिखाना प्रारंभ कर दिया है। रविवार को स्थानीय पद्मधर पार्क में कंप्यूटर बाबा की सभा में हजारों की तादाद में संतों ने एकत्रित होकर मन की बात की। इस दौरान संतों ने खुद को किसी भी राजनीतिक पार्टी से अलग रखते हुए वर्तमान सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश की दुर्दशा के लिए शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए 18 दिनों बाद प्रदेश की सरकार बदलने की बात कही। संत समागम के दौरान संत वर्तमान सरकार से काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आए। केवल कमान खींचते थे, बाण अपने आप निकल जाते थे। भगवान श्री राम जी ने भी ऐसा कार्य करने के लिए संतों को चुना है। यह संत अपने काम के लिए, अंजाम देने के लिए संत सम्मेलन कर रहे हैं। हमने अभी पेपर में पढ़ा था कि कंप्यूटर बाबा को अखाड़ा परिषद महामंडलेश्वर पद से हटा दिया। अरे भाई, अखाड़ा परिषद कान खोल के सुन लो। जब श्री श्री 1008 श्री चंद्रमदास जी महाराज ने तेरा भाई त्यागियों से अलग हट करके मां त्यागी बनाया, तो क्या कंप्यूटर बाबा अपना समाज का, संत समाज का अखाड़ा परिषद नहीं बन सकता? मैं कान खोल के सुन लो, अखाड़ा परिषद हो चाहे शंकराचार्य हो चाहे महामंडलेश्वर हो, संतों के दिल से कंप्यूटर बाबा को कोई नहीं हटा सकता। पद हटाता है, आता है, जाता है। यही तो बात कहना चाह रहा हूँ, ये मेरी पद प्रतिष्ठा का भी तरफ भी, मतलब शिवराज सरकार इतनी भ्रष्ट है कि हमारे बाबाओं में भी, अब संत समाज में भी भ्रष्टाचार फैला दिया है और वहाँ भी पैर पसारने लगे हैं। इसलिए संत समाज सब समझ गए हैं और अब किसी हाल में संतों के नाम से, धर्म के नाम से अब नहीं आ सकते। वो मध्य प्रदेश में मूर्ख नहीं बना सकते। हिंदू भी समझ गया, संत भी समझ गए, आज बड़े तड़प रहे हैं। हमारी माताएं बहनें, हमारी माँ बहनें एक रोटी जो है, अपनी पहली रोटी जो है गौ माता के लिए निकालती थी। आज देखिएगा, हमारी माताएं आज भी गौ बची ही नहीं, एक रोटी जरूर बाहर रखती हैं पर गाय के बदले में सुअर खा रही हैं। हमारी श्रद्धा का हनन हो रहा है शिवराज सरकार में। हम धर्म के, जिसके लिए हमने, हमारी माताएं बहनें आज भी, हम लोग जो हिंदू धर्म के लोग हैं, हम एक रोटी जरूर गौ माता के लिए निकालते हैं। हमारे पास गौ माता भी नहीं है। इन जब से शिवराज सरकार आई है, हमने देखा रोड में गाय पड़ी हैं, अत्याचार हो रहा है गायों में, नृशंस हत्या हो रही है, उनकी दुर्दशा नहीं देखी जा रही है। गौ की शराब, संतों की शराब, मठ मंदिर की शराब, नर्मदा की शराब इतनी बुरी लगेगी शिवराज सरकार को, जन्म जन्मांतर तक वो कभी सरकार में वापस नहीं आएंगे, न सरकार आएगी। यदि कांग्रेस की सरकार बनी और आपको मंत्री दर्जा दिया जाएगा तो क्या पुनः राजनीति में? नहीं, हम लोग को कोई ना मंत्री ना मंत्री बनना है, ना हमें कुछ करना है। हमें तो धर्म की सेवा करना है और जो भी धर्म के साथ चलेगा, जो धर्म के साथ राजनीति करेगा, जो सरकार धर्म से आएगी, वो हम संत समाज उनके साथ रहेंगे, काम करेंगे, परंतु ये नहीं कि मंत्री बनेंगे। परंतु शिवराज सरकार का घोटाला, शिवराज सरकार का भ्रष्टाचार, नर्मदा का अवैध खनन जो हुआ है, इसको आने वाली सरकार से हम एक आयोग बनवाएंगे, उसकी जांच कराएंगे और रिटायर जज जो हैं उससे, उनके द्वारा हम, उनकी अध्यक्षता में हम जांच कराएंगे। वो जितनों ने भी ये घोटाला किए हैं शिवराज सरकार में, शिवराज ने और शिवराज के लोगों ने जो किया है, उनको जेल की सलाखों के पीछे डलवाऊंगा। धन्यवाद।